क्योंकि देखिए ये है राहुल गांधी, ये है कांग्रेस पार्टी खत्म, और ये उनकी पारी हो रही है। मेरा काम है सवाल करना, तो मैं सवाल ही तो पूछ रही हूं। मैं दो घोषित और घोषित प्रवक्ताओं से नहीं मिलेंगी यहां पर। अरे नहीं 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 सुपेश ने ये कॉमन सेंस ही नहीं कहती कि हमारी और ओवैसी की कोई दोस्ती हो सकती। मैं ऐसा नहीं कहता, आप में कॉमन सेंस नहीं है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात कोदी मीडिया में घटे कुछ खास किस्सों की करते हैं। मीडिया में कोई ना कोई मुद्दा सुर्खियां बटोरता है और मीडिया की डिबेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। मीडिया डिबेट में अक्सर संबित पात्रा दिखाई देते हैं और वायरल हो रही वीडियो का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए करते दिखते हैं। इस बार भी वे ऐसा ही करते दिखाई दिए। एक वायरल हो रही वीडियो पारी हो रही है का इस्तेमाल कांग्रेस पर उन्होंने किया और एंकर ने भी उन्हें नहीं रोका। मगर मैं जवाब भी देता हूँ। देखिए मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, आज मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ने के मूड में नहीं, क्योंकि देखिए ये है राहुल गांधी, ये है कांग्रेस पार्टी खत्म, और ये उनकी पारी हो रही है। पारी हो रही है वहां पे बंगाल में, अरे कुछ तो नहीं है। मैं क्यों लड़ूं, बेकार का गला क्यों खराब करूं, बताइए। मैं आज टीएमसी के प्रवक्ता से ही कर लेता हूं। देखिए दो ही पारी यहां लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। ये कांग्रेस वाले पीछे पारी मनाने क्यों आए हैं, उनको बोलिए मैं आज लड़ने के मूड में नहीं हूं। मैं खैर डिबेट्स में अक्सर तीखे सवाल विपक्ष के नेताओं से ही होते हैं और सरकार के नेता भी विपक्ष के नेताओं पर हावी होते दिखाई देते हैं, पर ऐसा अब हर बार भी नहीं होता। एबीपी न्यूज की एक डिबेट में जब एंकर ने कांग्रेसी नेता से सवाल किया तो नेता ने एंकर पर तंज कस दिया। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुरुआती 15 साल में मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसीलिए मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई और मेरे लिए केरल आना बेहद ताजगी भरा रहा। ये क्या मतलब है इसका? तो वहाँ पे बोरियत होती थी, यहाँ ताजगी है, वहाँ बोरियत हो रही है। क्या गलत बात हो गई, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? केरल केरल हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है रूबिका जी? अरे तो फिर आप ये कह देते कि यहाँ आकर मैं ताजा महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक मैं वहाँ रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रीम ने ये तो कंपैरिजन, तो आप बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही है। नहीं नहीं आप भी समझ रही है समय, आप ये क्या कर रही है, या आप भी समझ रही है? कोई बात नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से समझ रही हूं। मैं तो पात्रा जी से बहस करने आई हूं, आपसे बहस का मतलब नहीं नहीं बहस की नहीं, मेरा मेरा सवाल करना। आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल करना, तो मैं सवाल ही तो पूछ रही हूं। घोषित और घोषित प्रवक्ताओं से नहीं मिलेंगी यहां पर। अरे नहीं 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 सुप्रीम ने आप गलत डायरेक्शन। अब आप ये एक और वायरल वीडियो देखिए, इसमें इंडिया टुडे की एंकर रॉबर्ट वाड्रा का इंटरव्यू लेने पहुंची। ये इंटरव्यू साइकिल चलाते हुए हुआ और इंटरव्यू लेते लेते एंकर ने ब्रेक मारे और अचानक एंकर साइकिल से गिर गई, जिसके बाद से ही ये वीडियो काफी वायरल हो गया। But at the same time we'll take, there's a little hurdle here, we'll just take that. At the same time, if you say that your land cruiser is cruising behind you and you're wearing a suit, a very expensive bike, the BJP will say that it is mere gimmick. गोदी मीडिया के पत्रकार वैसे तो सरकार से सवाल करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो जरूरी मुद्दों की बजाय अन्य मुद्दों पर ही सवाल करते रहते हैं, और नेताओं से कैसा जवाब आता है ये आप इस वीडियो को देखकर जान ही जाएंगे। एबीपी न्यूज के पत्रकार सुमित अवस्थी ने अमित शाह का इंटरव्यू लिया, उनके एक सवाल को लेकर अमित शाह ने उन्हें सुना दिया। ये बताइए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, असदुद्दीन ओवैसी से आपकी दोस्ती है क्या? देखिए आपके अलावे ऐसा सवाल मुझे भारत में कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि ये कॉमन सेंस ही नहीं कहती कि हमारी और ओवैसी की कोई दोस्ती हो सकती। मैं ऐसा नहीं कहता, आप में कॉमन सेंस नहीं है। आप कुछ नहीं कह सकता, मेहमान है मेरे साथ। ऐसा सवाल कोई नहीं पूछ सकता, हमारी और ओवैसी की कैसे दोस्ती होती हो सकती है भैया? टीम बी कहलाती है वो आपकी? नहीं, वो आप लोगों के अलग प्रकार से बात को रखने के, जनता के सामने रखने के तरीके होते, कोई टीम बी नहीं है। इस देश में हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपना चुनाव लड़ना चाहिए, और वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको सूट नहीं करते हैं तो टीम बी है, और अगर एक मत से हमारी सरकार गिर जाती है अटल जी की, उसमें वोट चाहिए तो टीम ए है, उनकी टीम है।
असल पत्रकारिता क्या होती है आप इस वीडियो में देखकर जान जाएंगे। द वायर पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में उनके गोली मारो सालों के नारे को लेकर जब सवाल हुआ तब वे उस सवाल को टालते नजर आए। आप खुद ही देखिए। 19 दिसंबर को एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैंने स्पीच नहीं दिया था। स्पीच नहीं था, एक नारा था सर। आई हैव इट ऑन माय लैपटॉप। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। हाँ, सर आपने एक नारा दिया था। क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को नहीं, गोली जामिया नहीं बोला था सर। जामिया बोला था, मेरे पास वीडियो है। अलीगढ़ भी है सर इसमें। और लोग बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बोलो आप। सर मैं दिखा सकती हूँ आपको सर, ये है वीडियो। जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हाँ ये वीडियो है, ठीक है सर करें। लोग ये नारे को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये एक छोटा छोटा एक ये बात करने योग्य भी नारा नहीं है, ये एक राइम है जो लोगों ने देश में अलग अलग आंदोलनों में लगा। एक चैनल को दूसरे चैनल पर टिप्पणी करते हुए आपने काफी बार देखा होगा, जैसे अर्नब अब तक आज तक के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं। अब आज तक ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाई है जिसमें वे पत्रकारिता के बारे में बात कर रहे हैं। भाई साहब कौन है आप? आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप जरूर को जानते हैं सर? मैं पांडे आपका कैमरामैन। हम रोज से हम गलती करते हैं। गलती तो हुई है, गलती में कौन कौन से लोग शामिल है सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। मैडम ये जो हो रहा है इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? अब इस में कितने रात छुपे हैं, हम इसका पर्दाफाश करेंगे। हाँ मैडम, ये सच का बैंड बजाते हैं और आज तक वाले इनका। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा आज तक सबसे तेज। देश में असल में क्या चल रहा है और मीडिया उसके बारे में क्या दिखा रहा है, ये जानने के लिए देखते रहिए पंजाब टुडे टीवी। धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।